आज भांतड़ी नगर निगम जोन क्रमांक 8 में डीओ को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में मांग की गई कि वृद्धा पेंशन व विकलांग पेंशन के लिए जो आवेदन किए गए हैं उन्हें जल्दी स्वीकृत करते हुए 3 माह की पेंशन दी जाए, जिससे कि लॉकडाउन में उन्हें कुछ राहत मिल सके। साथ ही जिन लोगों की समग्र आईडी के आवेदन है उन्हें भी जल्दी स्वीकृत किया जाए, ताकि वे लोग लॉकडाउन के दौरान शासन से मिलने वाली योजनाओं का लाभ उठा सके। तलैया जोन क्रमांक 8 में नगर निगम में ज्ञापन सौंपकर डीओ देवेंद्र चौहान जी को ज्ञापन सौंपकर ये मांग की है कि जो फरवरी मार्च के महीने में वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन और विकलांग पेंशन के जो फॉर्म जमा हुए थे उनको जल्द से जल्द स्वीकृत कर उनको 3 महीने की पेंशन दी जाए। 3 महीने की पेंशन देने से ये लाभ होगा कि लॉकडाउन के चलते जो गरीबों को जीवन यापन करने में असुविधा हो रही है, उनको दिक्कतें आ रही हैं, इससे उनको काफ़ी फायदा होगा। कौशल यादव द्वारा आज एक ज्ञापन सौंपा गया है जिसमें पेंशनरों की समस्याओं से मुझे अवगत कराया गया है ना। लॉकडाउन के चलते हुए अभी जो कुछ पेंशनरों को परेशानी हुई है उसकी समस्या का शीघ्र समाधान जो है नगर निगम प्रशासन द्वारा कराया गया।